नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के पानीपत के इसराना कस्बे से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसा बेहद ही दर्दनाक था। ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर के दौरान तीन लोग जिंदा जल गए। कार में सवार तीन सवारियां जिंदा जल गई। हरियाणा के पानीपत के इसराना के पास शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां चलती कार में तीन लोग जिंदा जल गए। हादसे के बाद इलाके में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तीनों शवों को फिलहाल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बात की जाए अगर कार के नंबर की तो कार सोनीपत के जाखौली की बताई जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके बाद ये भयंकर हादसा हो गया। आग कार में लग गई। इसके बाद सीएनजी फिटेड कार में बैठे तीनों लोग जिंदा जल गए। तीन सवारियां जिंदा जल गई। हरियाणा के पानीपत के इसराना कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तीन लोग जिंदा जल गए हैं। कार में सवार तीन लोग जिंदा जल गए। शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि तीनों शव युवकों के हैं, लेकिन उन शवों की अभी तक पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में शव बुरी तरह से जल गए। आलम यह है कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत की एक कार पानीपत रोहतक हाईवे पर गोहना की ओर जा रही थी, जिस वक्त ये हादसा हुआ। कार में तीन लोग सवार थे, जो कि इसराना की अनाज मंडी के पास कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार में आग लग गई। वहीं इस घटना के साक्षियों का कहना है कि हादसा इतना दर्दनाक और भयानक था कि कार में सवार तीनों लोग बाहर नहीं निकल सके। तीनों लोगों की कार में ही जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि करीब 45 मिनट तक कार में आग की लपटें उड़ती रही। वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ किसी तरह आग पर काबू पाया और आग को बुझाया गया। हालांकि सूचना मिलने पर यहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।